हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेइंग पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। आपके पर्सन कहीं ट्रैवल कर सकते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, रिसेंट ट्रैवलिंग हो सकता है। एस ऑफ कप की एनर्जी फील हुई, एस ऑफ कप। यहाँ पे ना मुझे ना ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जैसे दिए जलते हैं ना वैसे एनर्जी है, दिए जलते हैं। और वो मुझे दिए ना जैसे फेस्टिवल होता है जहाँ पे आकाश में स्काई में जो एकदम पूरा स्काई भर जाता है दियों से, वैसे वाली एनर्जी फील हो रही। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको ना एक स्टार की तरह दिख रहे हैं, यस, गाइडिंग स्टार। और एक ऐसा सितारा ना जो चमक रहा है और उनको देख के अच्छा लग रहा है, और दूर दिख रहा है लेकिन वो दिशा दिखा रहा है, वो एक अलग ही एक पॉजिटिविटी दे रहा है, यस, अलग ही पॉजिटिविटी दे रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है ना इनको कि वो सितारा जैसे ना वो स्टार है, एक वक्त था जो मेरा ही था, बट अभी जिस तरह से इन्होंने कुछ डिसीजन नहीं लिए हैं या डिसीजन लिए हैं उसकी वजह से इनका बिहेवियर हो, तो ऐसा लगता है ना, अभी अजीब सा डर लग रहा है कि क्या वो सितारा अभी भी उनका है। यहाँ पे ना बटरफ्लाइज और हार्ट्स वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कोई गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके लाइफ में अगर कोई तकलीफें भी चल रही ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके आपसे मिलने के बाद उनको ना ऐसा फील होगा ना कि जैसे ये दुख भी चले जाएंगे, ये दुख फील ही नहीं होंगे। ये जो पर्सन है आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो काफी अरसे से ना किसी से क्लोज ही नहीं हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि काफी अरसे से उन्होंने एक इमोशनल मतलब कनेक्शन, या इमोशनल हो या फिजिकल कनेक्शन, फील ही नहीं किया है किसी के साथ। भले इनके साथ कैसे रिश्ते हो ना हो जो भी है, बट ऐसा लग रहा है ना काफ़ी टाइम से इन्होंने कुछ ऐसा फील ही नहीं किया है। इनका फोकस है ना, मुझे लग रहा है ना कि जैसे है तो फाइनेंसेस पे है, अपनी लाइफ के गोल अचीवमेंट पे है। वो इसलिए है क्योंकि कोई ना उनको बार बार ना इस बात का ना जता रहा है, लाइक ना कि तुम फेलियर हो, या कोई बार बार लाइक ना हो सकता है कि वर्क प्लेस की एनर्जी हो, या कोई घर वालों की एनर्जी हो, या कोई दोस्तों की, या कहीं तो कुछ एनर्जी है ना जहाँ पे ऐसे उनके रिश्ते हो या वर्क प्लेस हो, बार बार उनको ना फेलियर का एहसास दिला रहा है कि तुम फेलियर हो, तुम कुछ नहीं हो, तुमने कुछ नहीं किया है। इनकी लाइफ के ना मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन दोनों भी मिसिंग है, और मतलब इनको ना नीचा दिखाना हो, इनको पीछे खींचना हो, इनको कोई हर्डल्स डालना हो, तो लोग बहुत सारे पड़े हैं, सिचुएशन भी बहुत सारी पड़ी है, लेकिन उनको मोटिवेट करे, उनको इंस्पायर करे, उनको सही रास्ता दिखाए, सही रास्ता भैया, सही रास्ता दिखाए,
वो इंसान आसपास नहीं है और उनको तभी एक बहुत स्ट्रांग रिलेशन होता है कि ये सारी चीज़ें ना, सारी चीज़ें आपने थी। एक वक्त था इसी बात पे ना ये आपसे झगड़ते थे, इरिटेट होते थे, दूर जाते थे कि आप क्या मतलब सही गलत की, सही दिशा की और मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की बार बार क्या बातें कर रहे हो। पॉसिबल है ना कि इनका जो इनके आसपास के जो लोग हैं ना, काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ों में या उनके आसपास जैसे जुड़े इसलिए थे क्योंकि इनका टाइम अच्छा था, टाइम अच्छा था और ये लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ करते थे, गिफ्ट्स देना हो, टाइम देना हो, स्पेशल फील करवाना हो, बहुत सारी चीज़ें की इन्होंने। इवन ये दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्तों के कहने पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स हो, टाइम देना हो, पार्टीज़ हो, हर चीज़ किया। अच्छा टाइम था, अच्छा खासा इनकम भी हो रहा था, टाइम अच्छा चल रहा था। अभी ऐसा लग रहा है ना कि सब लोग अपनी जैसे इनका टाइम ख़राब हुआ है, जैसे इनके साथ जैसे फेल्योर जैसा चीज़ होने लगा है, ये फेल होने लगे हैं, टाइम ख़राब होने लगा है, तब से लोगों ने इनकी तरफ जो एक अप्रोच है ना वो बदल दिया है, बात करने का तरीका हो या बिहेव करने का तरीका हो। ये रिश्ते भी हो सकते हैं या दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्त रिश्तेदार। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके जो सो कॉल्ड अच्छे वक्त में इनके जो दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने जो इन्होंने जो सलाह दी होगी या जो भी दिशा दिखाए उसमें सब गड़बड़ हुई है। और जो आपने कहा था ना कि ऐसा करो या ऐसा मत करो, उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई निकली है, बहुत ज़्यादा सच्चाई निकली। मतलब आपने कहा होगा कि मत करो ऐसा, या आपने कहा होगा ऐसा ही करो, बहुत अच्छा रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट करो, ये जॉब ज्वाइन करो, इसमें ट्राई करो, वो सारी चीज़ें आपने बोली थी, इन्होंने नहीं सुनी। इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब सब मिसिंग है। इनको भी एहसास हो रहा है ना कि आप से प्यार नहीं हो, अब वो स्टार होना जो दिशा भी दिखाता है, सही राह भी दिखाता है, आपके साथ होते थे तो जाने अनजाने में स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, शांत रहना, अच्छी बातें सोचना, करना, जैसे लगता ना कि कभी कभी ना इनको ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता, मतलब पसंद का खाना, ढंग का खाना नसीब नहीं होता, मतलब ये करने तो जाते हैं, होता है, बट कभी ऐसा ना कि गए तो है कि किसी प्लेस पे खाने के लिए, बट समाव वो खाना नसीब में नहीं है, उसका टेस्ट ऐसा नहीं है, या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ना जैसे उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं फील हो रहा। मतलब आपके साथ अगर ना एक क्या बोलते हैं उसको, रस ठेले पे खाए या कुछ सिंपल सा भी फूड खाए ना, तो उसमें अलग ही मज़ा है। लगता है कि आप लोगों ने ना बारिश में चाय, कॉफ़ी वगैरह ऐसे सारी चीज़ें बहुत की है, मतलब एकदम लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं या फिर मिले हो आप, बहुत बरसात हो रही है, बारिश हो रही है और इस ठंडी में मस्त आप एक दूसरे के साथ चाय एंजॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी है, ये सारी मेमोरीज़ है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है और ऐसा लग रहा है ना कि वो पल वापस आ जाए। इनको ऐसा लगता है वो पल वापस आ जाए। इनको अपनी लाइफ में ना अभी ये छोटी छोटी खुशियाँ भी ना बहुत मायने रख रही हैं, बहुत मायने रखती हैं। अगेन फील हो रहा है ना जैसे कल आपका जैसा हाल था ना, या आपकी जैसी सिचुएशन थी कि आप इनके साथ बिताए पल, छोटे छोटे पल भी आप बहुत इन्जॉय करते थे, बहुत आपके लिए ना एकदम वैल्यूएबल होते थे। अभी इनको ऐसा लग रहा ना कि उन्हें वो वैसे पल चाहिए। अभी आप देखना जब ये आ रहे हैं ना वापस, यस ये वापस आ रहे हैं ना, और वही पल जब वापस मतलब आप साथ बिताना चाहेंगे ना, ये उस पलों को ना इस कदर जिए नहीं, जीने की कोशिश करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे ना जैसे कभी आप करते थे, और ये एक्चुअली समझ पाएंगे कि इन पलों की, इन प्यार की वैल्यू क्या होती है। इन्होंने इतना इतना गहराई से कभी इस
पलों को सोचा नहीं था या प्यार को नहीं सोचा था, इस इंसान के बारे में, आपके बारे में कभी नहीं सोचा था। अभी बहुत सारी चीज़ें फील हो रही है कि कितना खास और खूबसूरत एहसास है। प्योर लव, प्योर इमोशंस। थ्री नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, थ्री है एंड सेवन है, और मुझे ऐसा लग रहा ना कि ये डांसिंग है ना, मतलब एक भले वो एक्चुअल में डांस ना करे, बट ऐसा लग रहा है जैसे आप से मिलेंगे ना तो ऐसा एकदम डांसिंग एनर्जी में आएंगे, ऐसा लग रहा है डांसिंग एनर्जी, जैसे कि यस एकदम खुश होके, जैसे ना इंसान का मन करता है कि खुश होके डांस करे, वैसे वाली एनर्जी है। इनिशियल इनके ना एस हो सकते हैं, और इनकी साइन में ना कैंसर और पाइसिस ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है मुझे, कैप्रिकॉन भी, और इनिशियल एस है, पी है, ए है, एल है, एम है। सॉन्ग अच्छा हुआ, तेरे बिन कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। इंसान बहुत कुछ समझ रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, समझ रहा है, जिस तरह से आसपास के मुखौटे उतर है ना, मास्क की एनर्जी। इस सिक्स ऑफ वैंड्स होगी प्यार की जीत। मैजिशियन, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स है, द हैंगमैन है, द हाई प्रिस्टेस, द फूल, एंड बॉटम डेक है द डेथ। सो मैंने कहा ना कि ये इंसान एकदम से बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, सब कुछ ख़त्म होने के बाद, जैसे इसी नाइन ऑफ कप्स, ये इंसान जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, और मतलब इनका जो एक फेज था ना, एक नेचर था, एक सोच थी, सब कुछ ऐसे बदल रहा है, बदलना पड़ रहा है, सिचुएशन भी बदल गई, लोग आसपास के बदल गए हैं, तो इनको भी बदलना पड़ा है, मजबूरी नहीं, उनको अच्छा लग रहा है कि हाँ जो हुआ सही हुआ, क्योंकि अभी असली में ना सही गलत की पहचान हो रही है। नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक रिस्क है आपके रिश्ते में, वो लेना चाहते हैं, आसान नहीं है, आपका रिश्ता आसान नहीं है, तो रिस्क है ना, वो लेना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है ना, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टक है, सब कुछ, फाइनेंसेस हो, रिश्ते हो, जिस तरह से है ना, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इन्होंने ठीक करने की पूरी कोशिश की, ये बहुत करते आए हैं, अभी भी इनफैक्ट करते रहे हैं कि जैसे रिश्ते ठीक हो, फाइनेंसेस ठीक हो, सब कुछ जैसे ठीक हो, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज़ें बदल नहीं रही, इनफैक्ट चीज़ें ऐसे हो रही है ना कि जैसे एक्चुअली असली चेहरे दिख रहे हैं, एक्चुअली असली मतलब बता ना कि असलियत दिख रही है सब कुछ चीज़ की। तो इन्हें ना बार बार स्पिरिचुअल वे से कनेक्ट किया जा रहा है, ये इस रिश्ते में ना जीत जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, बहुत याद करें आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, स्टार की एनर्जी है आपकी। मेहनत का फल बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मिल नहीं रहा, जैसे जितना जितनी मेहनत है, या फिर लिटरली वर्क प्लेस पर ना एकदम बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर, ये सिचुएशन होने के बावजूद भी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने जैसे फील है ना, वर्क प्लेस हो या उनकी मेहनत का फल या वो जो कर रहे हैं ना, उसका कहीं पर भी कुछ या तो वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है, वो हो सकता है, तो इसी वजह से परेशान हो रहा है कि एक वक्त था कि इसी सारी चीज़ों का ना मुझे फल मिलता था, कि जैसे आपकी तरफ से ना हर चीज़ की वैल्यू थी, हर चीज़ की वैल्यू थी। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, एस ऑफ वैंड्स, एक पैशनेट लव इनकी तरफ से देखने मिलेगा इनकी तरफ से, एक पैशनेट लव देखने मिलेगा, और ये ऐसी एनर्जी में है ना कि इंट्यूशनली एनर्जी वाइज ड्रीम के थ्रू आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, इनके इनको भी ड्रीम्स आते हैं, आपको इनको भी एंजल नंबर दिखते हैं, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है ना स्पिरिचुअलिटी की भी कोशिश में जाती है, कि जैसे रुका हुआ, चीज़ें रुकी की हुई है, थमी की हुई है, क्योंकि आपको एक दिशा दिखानी है,
वरना एक रूटीन लाइफ में ना इंसान को फील ही नहीं होता कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या कैसा ही है क्या गलत है। तो ये ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, एनर्जी के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करें, पूरी कोशिश करें। तो विद इन अ वीक इनकी तरफ से मूवमेंट हो सकते हैं, विद इन अ डे भी हो सकता है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।